मैं हमेशा अपने लुक को लेकर बहुत काम करती हूँ. आज हम लोग एक फंक्शन शूट कर रहे हैं. बिहार में ये फंक्शन कैसे शूट होगा, जो वहाँ की औरतें हैं वो कैसे तैयार होगी, उस चीज को दिमाग में रख के ये सारी तैयारियां मैंने की है. उस हिसाब से जेवर और कपड़े और गजरा और वो सारी कोशिश की है. बहुत मैटर करता है, उससे पूरा कैरेक्टर आपका डिफाइन होता है, एक बॉडी लैंग्वेज आती है और थोड़ा मजा आता है. अगर आप नॉर्मल एक वैम प्ले कर रहे हो या नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो या लीड प्ले कर रहे हो, सो आप एक नॉर्मल है, लेकिन उसको एक्साइटिंग बनाता है ये जो लैंग्वेज है, ये जो अलग अलग भाषा है जो हमारे देश की है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है. यहाँ मैं बिहारी बोल रही हूँ, हर सीन में नहीं बोलती हूँ, थोड़ी स्प्लिट पर्सनैलिटी हूँ. कभी बिहारी बोलने शुरू कर दी तो कभी एकदम क्लासी और सोफेस्टिकेटेड बन जाती हूँ. मजा आ रहा है, ये जो मेरा स्विच होता रहता है. इट्स टू मच ऑफ फन एंड एक्साइटिंग. अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. और सन टीवी भी कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ ब्रांड. साउथ में बहुत बड़ा चैनल है, बहुत नामचीन है. और अब जब वो यहाँ पर लॉन्च हुए तो पीपल ऑलरेडी नो व्हाट सन टीवी इज. तो वो अपने कहते हैं ना, एक ब्रांड को मेंटेन करके ही चल रहे हैं. बहुत फीडबैक्स आते हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वो सीन को लेके, फ्रेमिंग को लेके, कपड़ों को लेकर, लुक को लेकर. ऐसी नहीं है कि कभी कभी या कहीं पर कोई कमी रह जाए और हम आगे बढ़ जाए, काम कर ले, ऐसा नहीं होता है. कई बार ये भी होता है कि नहीं, अगर कोई चीज चाहिए और वो नहीं आई है तो शूट रुकती भी है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, विच इज अ वेरी गुड थिंग. हाँ, अपने नाम का जो कहते हैं ना, जो एक लेवल है वो मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. हमें अच्छा लग रहा है. सी, हम एक ऐसी फील्ड में जहाँ कंपैरिजन होता ही होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है. मैं फिलहाल सिर्फ ये कहूंगी कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबको टक्कर देने की चाह है और कोशिश भी है, देखते हैं. आगे बात करेंगे जब हम थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएंगे. बट हाँ, इट्स बहुत अच्छी शुरुआत है और इससे डेफिनेटली हम सब बहुत मोटिवेट हुए हैं.